अनुपमा मैं आगे दिखाई जाएगा यस्ती पल्लूच को बोलेगा कि अगर आप बार बार पीछे मुड़कर देखोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। आगे देखिए, ये वक्त मूव ऑन होने का है, अगर नहीं होगे तो साथ वाले लोग भी छूट जाएंगे। दूसरी तरफ पाकि अपने एक दोस्त से मिलने गए जो एक पुलिस वाला होता है। पाकि अपने पुलिस वाले दोस्त को अधिक के खिलाफ सारे सबूत देगी। वो अपने दोस्त से कहेगी कि वो अधिक को जेल भेजना चाहती है। मज़ेदार चीज़ ये है कि पाकि की ये सारी बातें वहाँ मौजूद टीटू सुन लेगा। इवेंट में कुछ गुंडे घुस जाएंगे जिनसे तोसु ने पैसे ले रखे हैं। वो लोग तोसु से एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करेंगे। इस दौरान वो लोग तोसु के गिरेबान पकड़ लेते हैं, लेकिन अनुपमा अपने बेटे को बचा लेती है और गुंडों का सामना करती है। इस दौरान अनुपमा अपने बेटे को डांटती है। इसी दौरान इंडिया में टीटोसा हाउस में घुसकर डिम्पी से मुलाकात करता है। वो डिम्पी को पाकि की सारी प्लानिंग के बारे में बताते हुए अधिक का पता मांगता है। हालांकि पाकि का सच जानकर डिम्पी को सूट जाता है। खत्म होने के बाद अनुपमा यस्तीप के साथ अपने घर जाती है, लेकिन दरवाजे पर उसका सामना वनराज से होता है। वनराज जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है तो अनुपमा उसे देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद अनुपमा वनराज और यस्तीप को मिलाती है। अनुपमा जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ पर बा को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। बा भी अनुपमा पर खूब प्यार लुटाती है।